स्वागत है फैसल साहब आपका। बताएं सर, सबसे पहले तो मार्केट आउटलुक एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास आप देख रहे हैं, अगर कोई अंदाजा देना चाहें तो, और साथ ही आपके अपडेट्स भी सर। तो अनिल जी, मुझे लगता है 14,100 से 200 के बीच में 200 तक का एक्सपायरी होने का चांस है आज की थर्सडे की, बट बी वेरी वॉचफुल बिकॉज द अंडरटोन कंटिन्यूज टू बी दैट अब आउट परफॉर्मेंस मिड कैप में आ रही है, और मिड कैप्स में जब इतनी बड़ी चाल आती है तो लार्ज कैप्स में जरूर आपको सेलिंग आएगी, और आपको दिख रहा है लार्ज बैंक्स, लार्ज ऑटो कंपनीज आर अंडर प्रेशर। तो दोनों तरफ का व्यू है, मिड कैप्स आर शाइनिंग, तो उस कारण से थोड़ा सा वहां की तरफ रुझान है। वी आर कीपिंग अ न्यूट्रल व्यू, वी थिंक दैट लार्ज कैप्स हैव रन अप फार इन एक्सेस एंड दे नीड टू करेक्ट, तो इस कारण से आई थिंक 14,200 विल बी द अपर एंड, वी कुड सी मे बी अ 50 पॉइंट डाउन साइड इन द नेक्स्ट वन आवर। अब आपके लिए अपडेट है अनिल जी, एसीसी और अंबुजा आपको खड़े होकर बहुत जोर जोर से कहा था, एसीसी 1730 हो गया जो मैंने 1620, 1630, 1640 में कहा था, अंबुजा 245 वाला 268 हो गया, प्रॉफिट बुक कीजिए। कल आपको सन टीवी कहा था, आज 511 हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। रिलायंस और आईटी स्टॉक्स आपको शॉर्ट कराए थे, सब में नफा आया है, प्रॉफिट आपके सामने है, तो हेज करके चलेंगे तो दोनों तरफ का नफा आएगा। आज की सुबह की कॉल थी एचडीएफसी बैंक शॉर्ट है, वो वही भाव है, जबकि आपका टाटा केमिकल 508 बिक गया जो 499 वाला था, और एक्साइड 200 बिक गया जो 195-196 में कहा था, दोनों में पोजीशन रख सकते हैं। अब आपके लिए दो सेल और एक बाय है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं, पहले शुरुआत बाय से करेंगे या सेल से आज? आर यू पेइंग एक्सेसिव ब्रोकरेज? इफ योर ब्रोकरेज इज 0.5, 0.4, 0.3 Then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. कर देता हूं सर, बाय कीजिए डॉक्टर रेडी, थोड़ा सा डिफेंसिव रहिए, 5280 से 90 में लीजिए, 5200 का स्टॉप लॉस, इसका भाव 550 मुझे दिखता है। डॉक्टर रेडी इज एन आउट परफॉर्मर, रिजल्ट विल बी द बेस्ट एवर इन दिस क्वार्टर। सेल में है कोटक बैंक 1960 से 65, 1999 का स्टॉप लॉस, 1890 का टारगेट, और दूसरा सेल है मारुति 7625 से 40 में बेचिए, 7790 का स्टॉप लॉस है, 7350 का टारगेट। ओके, मारुति का एक बार टारगेट फिर से बताएं सर। 7350 परफेक्ट, 7350 का टारगेट, 90 का स्टॉप लॉस है, परफेक्ट सर। तो चलिए, दो स्टॉक है जहां पर बिकवाली करनी है और एक में करनी है खरीदारी। कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर बिकवाली करनी है, 1890 का टारगेट लगाकर चले आप, और पहले तो खरीदारी वाला बता दो। डॉक्टर खरीदना है 5280-5290 की रेंज में, 5200 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 5500 के टारगेट, 5500 तक के टारगेट। बेचना है कोटक बैंक 1960-1970 की रेंज में, बेचिए आप आराम से, 1999 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 1890 का। मारुति, इसे भी बेचिए, 7625-7640 की रेंज में बेचिए, 7790 का स्टॉप लॉस है और 7350 तक फिसल सकता है। यह है वसीन साहब की राय, शुक्रिया वसीन साहब। 2:50 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। सर, आपका SIP महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है, तभी तो शुरू करो रैंक MF स्मार्ट SIP। ये महंगे मार्केट में वेट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है, तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर। स्मार्ट SIP का पावर प्ले। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।